आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग दो, आचार्य श्री तुलसी, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ, न्यू दिल्ली। बहुआयामी छोटी यात्रा। जयपुर का क्रांतिकारी चतुर्मास सानंद संपन्न हुआ। वहां से हमने जोबनेर के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में साधु साधियों के व्यवस्थित अध्ययन की दृष्टि से एक गोष्ठी हुई। छापर में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ने के लिए उत्सुक साधु साधियों के नाम आए, उनके अध्यापन की व्यवस्था की। तेरापन की परंपरा के अनुसार वैतनिक शिक्षकों से पढ़ना विहित नहीं है, इसलिए अध्ययन का क्रम गुरु परंपरा से चलता है। मैं स्वयं अध्यापन में रुचि रखता हूँ। साधु साधियों में परस्पर अध्ययन अध्यापन का क्रम चलता रहता है। युगिन अपेक्षा को समझकर हमने अपना स्वतंत्र पाठ्यक्रम बनाया और उसे लागू कर दिया। अनेक साधु साधियों को उसमें संलग्न कर दिया। मिक्सर महीने की सप्तमी के दिन हम जोबनेर पहुंचे। गाँव के बाहर बांडी नाम की नदी बहती थी। उस समय तक नदी का पानी उतर चुका था, पर दीर्घकाल तक पानी टिके रहने के कारण मार्ग में काफी हरियाली हो गई थी। लोगों ने कहा, गांव में जाने का दूसरा रास्ता नहीं है, हमें इसी रास्ते से जाना होगा। कुछ कदम चलने के बाद आगे का रास्ता साफ है। हरियाली पर कदम रखने की कल्पना से ही कंपन का अनुभव हो, उस स्थिति में उस पर चलना कितना कठिन होता है। पर अन्य रास्ता नहीं होने के कारण जैन आगमों की आज्ञा का स्मरण कर हम उसी मार्ग से चले। कुछ दूर चलने के बाद ही मन में उथल पुथल सी मच गई। उस समय मैंने संकल्प किया, अधिक दूर तक इसी रास्ते पर चलना पड़ा तो कल उपवास करूंगा। इधर मैंने संकल्प किया और उधर एक साफ रास्ता दिखाई दिया। उस रास्ते से हमने नदी पार की। उस प्रसंग में अनायास ही एक दोहे की रचना हो गई। बांडी रो बांडोपणो दीठो आज प्रत्यक्ष, हरी कच्छ भूमि परा चलनो पड़ियो विलक्ष। गांव के निकट वहां के ठाकुर रावल नरेंद्र सिंह जी पूरे तामझाम के साथ अगवानी करने आए। प्रथम कार्यक्रम में अपने स्वागत भाषण में उन्होंने वहां एक महीने रहने की प्रार्थना की। जोबनेर में हम कल्याणमल जी बरड़िया की हवेली में रहे। उस समय वहां कई बरड़िया परिवार थे और वे बहुत अच्छी स्थिति में थे। धर्म संघ के प्रति सहज श्रद्धाशील और समर्पित उस परिवार के लोग बहुत प्रसन्न हुए। वर्तमान में जयपुर, जयसिंहपुर, खानदेश आदि क्षेत्रों में जो बरड़िया परिवार हैं, वे प्राय मूल निवासी जोबनेर के हैं। वहां ठाकुर साहब के नाम से एक कॉलेज चलता था, करण नरेंद्र महाविद्यालय। दूसरे दिन कॉलेज के व्याख्याताओं, प्राध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच एक घंटा प्रवचन हुआ। कॉलेज के उप कुलपति ने घुमा फिरा कर कॉलेज का निरीक्षण कराया। रात्रिकालीन एक कार्यक्रम स्थानीय घर में हुआ। कुछ सार्वजनिक कार्यक्रम हुए। गांव के सभी वर्गों के लोग लाभान्वित हुए। 10 दिवसीय प्रवास संपन्न कर हमने वहां से जयपुर के लिए प्रस्थान कर दिया। मिक्सर शुक्ला सप्तमी के दिन हम जयपुर पहुंचे। उसी दिन सेवाभावी मुनि चंपालाल जी दिल्ली चातुर्मास संपन्न कर जयपुर पहुंचने वाले थे। चंदनमल जी दुग्गड़ के बाग के सामने वाली मिर्चा स्माइल रोड पर हमने उनकी अगवानी की। मिलन का दृश्य देखने वालों में शहरी लोगों के साथ दो विदेशी भी थे, न्यूजीलैंड के श्री विले एस श्री वेरी खटन और बर्लिन की हेजाक्रा सुटे की। वे लोग शांति निकेतन में आयोजित विश्व शांति सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। आत्मीयता भरे मिलन के उस दृश्य ने सबको भाव विभोर बना दिया। उस उपलक्ष में मैंने शांति निकेतन सत्य धर्म की जय हो जय ये नया गीत बनाकर परिषद में सुनाया। हमारे संघ की प्राचीन परंपरा के अनुसार उस समय बहिर्विहार में प्राप्त वस्त्र सीधा काम में नहीं लिया जाता। जिन सिंगारों को सुविधा से जितना कपड़ा उपलब्ध होता वे लाकर आचार्य को भेंट कर देते। आचार्य उसका समुचित रूप से संघ में वितरण कर देते। मुनि चंपालाल जी दिल्ली से आए थे, वहां उन्हें काफी कपड़ा उपलब्ध हुआ। वे 6 साधु थे, उन्होंने 79 किलो वजन जितना कपड़ा कंधों पर उठाया। मुझे ज्ञात हुआ तो जयपुर से कुछ साधु साधियों को उनके सामने भेजा।
साध्वी अंचा जी आदि 8 साध्वियां गई। उन्होंने साधुओं का भार उतारकर उन्हें हल्का कर दिया। साधु साध्वियों के पारस्परिक भक्ति भाव को देखने वालों पर उसका बहुत अच्छा प्रभाव हुआ। मिक्सर शुक्ला नवमी को मुनि चंपालाल जी को साथ लेकर हमने भगवतगढ़ की ओर विहार किया। विक्रम संवत 2005 के जयपुर चतुर्मास से पहले शेष काल में मुनि चंपालाल जी ने उस चोकले में अच्छी धर्म जागृति की थी। तेरा पंथ के आचार्यों का वहां विगत एक शताब्दी से जाना नहीं हुआ था। इस कारण उस क्षेत्र में हमारी यात्रा को लेकर पूरे उत्साह का वातावरण था। जयपुर भगवतगढ़ के बीच हमारा एक पड़ाव वनस्थली विद्यापीठ में हुआ था। विद्यापीठ के प्रिंसिपल श्री प्रवीण चंद ने वनस्थली की पूरी जानकारी कराई। शांति सदन में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 400 छात्राएं, 40-50 शिक्षक शिक्षिकाएं और राजस्थान के मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी रतन बहन शास्त्री उपस्थित थी। प्रवचन संपन्न कर हम हॉल से बाहर निकले, उधर मुख्यमंत्री हीरालाल जी शास्त्री उसी समय विमान से उतरे। उन्होंने निकट आकर नमस्कार किया। आहार के समय वे आए, कुछ देर बात हुई, फिर रात्रि में आए, लंबे समय तक बातचीत चली। दूसरे दिन विहार से पहले राजस्थान के गृह मंत्री प्रेम नारायण माथुर और मुख्यमंत्री जी पुनः आए। उनके साथ अनेक विषयों पर बात हुई। विहार के समय लगभग आधा किलोमीटर तक मुख्यमंत्री जी हमारे साथ चले। जब वे लौटने लगे तो मुनि चंपालाल जी बोले, शास्त्री जी, इस वर्ष आचार्य श्री ने आपके जयपुर में चतुर्मास किया, आपने उनके साथ कैसा व्यवहार किया? शास्त्री जी जोबनेरी बोली में बोले, महाराज, हमने तो जोबनेर के रोही में ऊंट चराए हैं। मुनि चंपालाल जी ने तत्काल कहा, यह तो ठीक है, पर हाथी को टिचकारी मारकर ऊंट की तरह नहीं हाका करते। यह बात सुन सब देखते ही रह गए। शास्त्री जी बोले, महाराज, हुआ सो हुआ, अब माफ करना, आप जैसी फक्कर प्रकृति वाले संत तो विरले ही होंगे। आप चातुर्मास में जयपुर रहते तो कितना अच्छा होता। मुनि चंपालाल जी ने हंसते हंसते कह दिया, मैं वहां नहीं था, यह अच्छा हुआ। शास्त्री जी, मैं वहां होता तो आपसे जरूर झगड़ता। इस प्रकार मधुर विनोदपूर्ण वातावरण में मुख्यमंत्री को कहने की सब बातें कह दी गई। औश कृष्णा प्रतिपदा को हम टोंक नवाब के बंगले में रहे। मार्ग में बनास नदी का विशाल पुल था। बंगले के आसपास का प्राकृतिक दृश्य दर्शनीय था। वहां से हम टोंक गए। टोंक में 3 दिन रहे। वहां से बनेटा, चौथ का बरवाड़ा आदि गाँव में होते हुए औश कृष्णा सप्तमी के दिन हम भगवतगढ़ पहुंचे। वहाँ के जैन अजैन सभी लोगों में अच्छा उत्साह देखने को मिला। वहाँ के तेरापंथी परिवारों में प्राय सभी लोग धर्म संघ के प्रति श्रद्धाशील थे। वे स्वयं को साधु साधुओं के दास मानते थे। केवल भगवतगढ़ के ही नहीं, उस चौकले के अन्य क्षेत्रों के श्रावकों की श्रद्धा भक्ति भी विलक्षण थी। उनमें कुछ व्यक्तियों और परिवारों का उल्लेख किया जा सकता है। भोरीलाल जी झंडे वाले भगवतगढ़, मांगीलाल जी पटवारी सुनारी, चित्तरमल जी पटवारी आटून, मांगीलाल पोरवाल सुरवाल, रामचंद्र जी पोरवाल आलनपुर आदि श्रावक कठिन परिस्थितियों में भी धर्म एवं धर्म संघ के प्रति आस्थावान रहे। मास्टर नाथूलाल जी जिज्ञासु, नाथूलाल जी सराफ, कल्याणमल जी झंडे वाले, मांगीलाल जी पोरवाल, माधोलाल जी पोरवाल, मिश्रीलाल जी पोरवाल, आनंदीलाल जी लोहिया, मन्नालाल जी पटवारी, फतेहलाल जी पंसारी, मूलचंद जी पंसारी, मदनलाल जी झंडे वाले, लड्डूलाल सराफ आदि श्रावकों ने भी आस्था और जागरूकता का परिचय दिया। लड्डूलाल प्रज्ञाचक्षु होने पर भी तत्व का अच्छा जानकार था। उसे अनेक ठोकड़े याद थे। वह समाज के बच्चों को मेहनत करके तत्व ज्ञान सिखाता था। उसके पीछे बच्चों की एक फौज सी रहती थी। वह समय समय पर उन्हें दर्शन कराने के लिए भी लाता था। वह अपने परिवार में अकेला था, दुकान करता था, क्रय विक्रय में चतुर था, हाथ से खाना बनाता था और मस्त रहता था। मैंने अनेक प्रज्ञाचक्षु व्यक्तियों को देखा है, लड्डूलाल जैसी सक्रियता वाले व्यक्ति कम होते हैं। एक सप्ताह तक भगवतगढ़ में संघीय और सार्वजनिक कार्यक्रम कर आसपास के गांवों सुनारी आटून गोटड़ा सुरवाल शेरपुर आदि का स्पर्श करते हुए हम रणथंभौर के किले पर पहुंचे। वहां राणा हमीर के महलों, प्राचीन खंडरों, विशाल तोपों आदि का निरीक्षण करते हुए गणेश जी के मंदिर की छत पर गए। वहां से किले के 3 और बनी स्वाभाविक खाई
तथा प्राकृतिक सौंदर्य को देखा। उस स्थान पर चतुर्वेदी संघ के साथ बैठे और किले की यात्रा के संदर्भ में एक नवनिर्मित गीत का संगान किया। वहां कब गए और कहां से गए इस इतिहास को बताने वाला गीत का पहला पद्य, रणत भवर के किले ऊपर आया हो मन समता भाव, तुलसी गणपति चार तीर्थ के जाजे झंडस्यू, पोषद पाचम छव की साल सुहाया हो मन समता भाव, सुरवाल सु चार कोस चल चाल अखंड सु। वहां कितने साधु साध्या गए इसका वर्णन निम्नलिखित पद्य में है। संत सताई बड़ बंधव पिण साथे हो मन समता भाव, लाडा जी आदि गुण बीस सतिया सो हामना, लोक सैकड़ा भार बयो सिर माथे हो मन समता भाव, संत सत्या कई लाले रह गया याद किया घना। हमारे साथ कुछ परीक्षार्थी साधु साध्या थी। परीक्षा के लिए निर्धारित समय निकट था। यात्रा करते करते उस समय तक अध्ययन पूरा करना संभव नहीं लगा। उस स्थिति में मैंने मुनि नथमल जी के साथ कुछ साधुओं तथा कुछ साधियों को सुनारी छोड़ दिया। रणथंभौर के किले पर चढ़े तब सहज ही उनकी स्मृति हो आई। उसके आधार पर गीत में एक पद्य लिख दिया। सदिया साथी संत सत्या रहिया लारे हो आ इचरज बात, कदिया हो गया साथी किले रणथंभौर के, भावी रोबल प्रबल नको स्वीकारे हो आ इचरज बात, बालक कई कई बूढ़िया चढ़िया धैर्य बटोर के। रणथंभौर के किले और उसके आसपास के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन करने वाले दो पद्य, मार्ग में लंगी जंगी नवरंगी हो मन समता भाव, नीरव निरुपम वातावरण भविक मन भावनो, पत्थर में जल रोप खड़िया तरु जंगी हो मन समता भाव, रुक रुक देखा गिरी गहर रो सीन सुहामनो, तीन तरफ प्राकृतिक खनाई खाई हो निरखी साक्षात, ठान ठान अल लाण पड़िया महारान हमीर का, महल जलाशय मंदिर ध्वज लहराई हो निरखी साक्षात, ठंडा झोला जी भर खाया सजल समीर का। कहावतों में राणा हमीर के हट की बात कई बार सुनी थी। किले पर राणा के महल साक्षात देख लिए। प्रश्न हो सकता है कि साधुओं के लिए इन सब वस्तुओं को देखने का क्या अर्थ? मनोरंजन कुतूहल आदि की दृष्टि से किसी दर्शनीय स्थल को देखना कोई अर्थ नहीं रखता, पर ज्ञान वृद्धि की दृष्टि से देखने की उपयोगिता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। तीर्थंकरों ने संसार के सब तत्वों को ज्ञातव्य बताया है। इस बात को लक्ष्य में रखकर ही उपयुक्त गीत में सम्मत्व भाव का संकेत किया गया है। रणथंभौर से हम सवाई माधोपुर गए। वहां तेरापन के विरोधी लोगों के द्वारा काफी दुष्प्रचार किया गया था। लोगों के मन में अनेक प्रकार के संदेह भर दिए गए थे। हमने प्रवचन में मुख्य मुख्य बातों का स्पष्टीकरण कर दिया। जनता को समाधान मिल गया। इससे विरोध का वातावरण काफी बदल गया। दूसरे दिन वहां एक बहन की दीक्षा हुई। लगभग 6-7 हजार लोगों ने दीक्षा का कार्यक्रम देखा। सवाई माधोपुर से पुनः भगवतगढ़ होते हुए हम चाटसू गांव में गए। वहां आचार्य भिक्षु के समय में मुनि वेणीराम जी का स्वर्गवास हुआ था। किसी वैद्य ने द्वेष के कारण उनको जहर दे दिया। शरीर में जहर का प्रभाव होते ही उन्हें ज्ञात हो गया। उन्होंने शांति और मनोबल के साथ वेदना को सहन कर पार्थिव शरीर को त्याग दिया। उस गांव में जाने से इतिहास की सहज स्मृति हो गई। भगवतगढ़ चौकले की छोटी सी यात्रा उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। हमें विक्रम संवत 2006 के मर्यादा महोत्सव हेतु माघ कृष्णा द्वितीया को जयपुर शहर में प्रवेश करना था। उससे पूर्व कुछ समय के लिए हम राजवैद्य लच्छीराम जी के शिष्य जयराम दास जी के बगीचे में रुके। वहां से विहार कर जौहरी बाजार त्रिपोलिया होते हुए हाईवे पर स्थित चंदन महल के सामने वाले पंडाल में पहुंचे। वहां बहिर्विहारी साधु साध्विया काफी संख्या में पहुंच चुकी थी। मर्यादा महोत्सव की पूर्व भूमिका तैयार हो गई। साधु साध्वियों की अंतरंग संभाल का काम शुरू हो गया। माघ कृष्णा अष्टमी को परीक्षार्थी साधु साध्वियों की परीक्षा का प्रारंभ हुआ। यह क्रम पूरे एक सप्ताह तक चला। बसंत पंचमी के दिन परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। उस दिन मध्याह्न में रामनिवास बाग में बड़ी हाजरी का कार्यक्रम था। बड़ी हाजरी में साधु और साध्विया दोनों दीक्षा के क्रम से पंक्तिबद्ध खड़े होकर आचार्य भिक्षु द्वारा निर्मित मर्यादाओं को सुनते हैं। लेख पत्र
बोलते हैं और संकल्पों का पुनरुच्चारण करते हैं, उस समय का दृश्य बहुत सुंदर होता है। जयपुर के कुछ व्यक्तियों ने उस दृश्य को अपने कैमरों में पकड़ने की पहल की। तब तक हमारे किसी भी कार्यक्रम के फोटो नहीं लिए जाते थे। वहाँ फोटो लेने का क्रम थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया। माघ शुक्ला सप्तमी का दिन मर्यादा महोत्सव का दिन था। उस अवसर पर उपस्थित साधुओं की संख्या 137 और साधुओं की संख्या 365 थी। नथमल जी गोलछा के कटले में महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित था। 30,000 से अधिक लोगों ने मर्यादा महोत्सव के भव्य कार्यक्रम को देखा। उससे पहले जयपुर में जयाचार्य और मघवागणी ने दो दो मर्यादा महोत्सव किए थे, पर वे छोटे रूप में हुए थे। इतने साधु साधुओं की उपस्थिति में बड़े पैमाने पर होने वाला वह प्रथम आयोजन था। जयपुर में हुए विरोध के कारण तेरापंथी प्रसिद्धि भी बहुत हो चुकी थी। इस कारण तेरापंथी समाज के अतिरिक्त अन्य लोगों ने भी उस कार्यक्रम को उत्सुकता के साथ देखा। जयपुर मर्यादा महोत्सव के अवसर पर बहिर्विहारी साधु साधुओं के लिए समुच के वजन में एक पोथी 2 सेर वजन कर दिया गया। उससे पहले संघ विधि के अनुसार 1.5 पोथी वजन दिया जाता था। अत्यंत उल्लासमय वातावरण में मर्यादा महोत्सव का कार्यक्रम संपन्न हो गया। जयपुर से दिल्ली के बीच जयपुर का सप्तमासिक प्रवास संपन्न हुआ। नए क्षेत्रों में यात्रा की मानसिकता पहले से ही बन चुकी थी। मर्यादा महोत्सव पर चतुर्विधि धर्म संघ को यह आभास मिल गया। आगामी चतुर्मास के बारे में उस समय चिंतन के लिए धरातल मजबूत नहीं था। वह एक प्रयोग था, उसे लेकर मेरे मन में किसी प्रकार का भय या संदेह नहीं था। मैं किसी विषय में जब तक चिंतन एवं निर्णय नहीं कर लेता, सब प्रकार की आशंकाओं का अध्ययन करता हूँ। चिंतन को निर्णय के बिंदु तक पहुँचाने के बाद मैं लौटने की बात कम सोचता हूँ। उस समय मेरे लिए अन्य सब दरवाजे बंद हो जाते हैं। जब चलना निश्चित हो और सामने एक ही द्वार या रास्ता हो तो उसी का उपयोग करना होता है। उसमें किसी प्रकार की कठिनाई भी आ जाती है तो मैं विचलित नहीं होता। इसका भी कारण है, मुझे जो धर्मसंघ मिला है वह मेरे नए पुराने कठिन सरल सुचिंतित अचिंतित हर निर्णय की क्रियान्विति में साथ रहता है। पूर्व आचार्यों का आशीर्वाद मेरे साथ है ही, इसी कारण चिंतन के नए क्षितिज खोलने में किसी प्रकार की हिचक नहीं रहती। यात्रा में मेरी सहज रुचि थी, पर अपने धर्मसंघ की क्षेत्रीय सीमाओं को मैं जानता था। नए क्षेत्रों में काम करने की भावना होने पर भी सीमित साधन सामग्री के आधार पर कोई बड़ा काम हाथ में नहीं लिया जा सकता था। अनुरोध का कार्यक्रम सामने आया, उसके प्रति लोगों का रुझान देखा तो मुझे भी बल मिला। सफलता की चिंता किए बिना ही मैंने नई दिशा में प्रस्थान करने का निर्णय घोषित कर दिया। पूर्व घोषणा के अनुसार फाल्गुन कृष्णा तृतीया के दिन मध्याह्न में जयपुर से विहार कर हमने दिगंबर जैन वशी भागचंद जी के बाग में पहला पड़ाव किया। दूसरे दिन हम आमेर पहुंचे। वहां के ऐतिहासिक किले और वास्तुशिल्प की दृष्टि से दर्शनीय मंदिर का निरीक्षण किया। वहां से ठंड होते हुए हम अचरोल पहुंचे। उस दिन गहरा हिमपात होने के कारण अचानक शीत लहर आ गई। गांव में श्रद्धा के घर नहीं थे, कुछ जैन परिवार थे। एक छोटा सा स्थानक था। साध्वी प्रमुख का लाडा जी शीत लहर की चपेट में आ गई। विहार की स्थिति नहीं रही, इस कारण हमें अचरोल में 4 दिन रुकना पड़ा। वहां मेडिकल बोर्ड के अफसर डॉक्टर लक्ष्मीचंद लोढ़ा ने प्रतिदिन जयपुर से आकर साध्वी जी की संभाल की। डॉक्टर लोढ़ा जोधपुर निवासी भोपाल चंद जी लोढ़ा के पुत्र और हनुत चंद जी लोढ़ा के पौत्र थे। लोढ़ा परिवार का राजकाज में अच्छा दखल था। किसी कारण वह परिवार वैष्णव संस्कारों में ढल गया। फिर भी उस परिवार के अनेक व्यक्ति पूज्य कालूगणी के भक्त थे। उन्होंने उनकी अच्छी उपासना की। मंत्री मुनि मगनलाल जी और मुनि चंपालाल जी से भी उनका अच्छा संपर्क रहा। 4 दिनों में स्वास्थ्य में कुछ सुधार होने पर वहां से विहार हो गया, पर सर्दी ने पीछा नहीं छोड़ा। लगातार 15 दिनों तक काफी सर्दी रही। फाल्गुन कृष्णा अमावस्या को बिलवाड़ी से वेरोठा जाना था। मार्ग में कोई बस्ती नहीं थी, पथरीला रास्ता, भयंकर जंगल और हिंसक पशुओं का भय। उस दिन विहार में चतुर्विधि धर्म संघ साथ साथ रहा। वह जयपुर रियासत का आखिरी गांव था। उसके बाद अलवर रियासत शुरू हो गई। वहां का सिरिस्का अरण्य प्रसिद्ध है। घने और भयावह जंगल के बीच एक कोठी बनी हुई है।
वह सिरस का कोठी कहलाती है। उस दिन के विहार में भी चतुर्थी संघ की यात्रा साथ साथ हुई। सिरस का कोठी में सामान्यतः रात्रि के समय लोगों को नहीं रहने देते। आगे विहार की सुविधा न होने के कारण हमें वहां रहने की इजाजत मिल गई। कोठी की दीवारों पर व्याघ्र, चीते आदि हिंसक पशुओं की छाले टंगी हुई थी। एक स्थान पर शेरनी अपने दो बच्चों के साथ बैठी दिखाई दी। वे जीवित नहीं थे। शिकार के बाद उनकी छाल में भूसा या अन्य कोई पदार्थ भरकर उसे इस ढंग से रखा गया था कि दूर से देखने पर वे सजीव से लगते थे। अलवर दरबार के साले रीवा के ठाकुर रीडमल सिंह जी मिलिट्री में सेक्रेटरी थे। उन्होंने सिरिस्का कोठी में दर्शन किए। उनके साथ कुछ और लोग भी थे। उनको व्यसन मुक्ति जीवन जीने की प्रेरणा देते हुए मांस, मदिरा, शिकार आदि के दुष्परिणामों की अवगति दी। दुर्व्यसन जीवन के लिए घातक है, इस विचार से सहमत होने पर भी वे अपनी वर्षों से बनी हुई आदत को छोड़ने में सफल नहीं हुए। वहां से हमने अलवर के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बालू के टीले एक साथ देखने को मिले। कहीं एक और पहाड़ तो दूसरी और टीले थे। कहीं एक ही दिशा में एक पहाड़ और एक टीला, फिर पहाड़ और फिर टीला। इस प्रकार प्राकृतिक सीन बहुत सुंदर था। फाल्गुन शुक्ला पंचमी को हम अलवर पहुंचे। वहां हमारा प्रवास खंडेल वालों की धर्मशाला में हुआ। उस समय अलवर की सड़कें बहुत सुंदर थी। जयपुर में भी हमने उतनी सड़कें सुंदर नहीं देखी। अलवर में कोई तेरापंथी परिवार नहीं था, फिर भी स्थानीय लोगों के अनुरोध पर हम वहां 5 दिन रहे। प्रथम दिन का प्रवचन धर्मशाला में हुआ। दूसरे दिन का कार्यक्रम टाउन हॉल में था। प्रवचन का विषय था धर्म और समाज। सार्वभौम धर्म की व्याख्या करते हुए मैंने अनुरत पर प्रकाश डाला। उसका श्रोताओं पर अच्छा प्रभाव हुआ। तीसरे दिन का प्रवचन शाह के चौक में, चौथे दिन रामनारायण जी ठेकेदार की हवेली के चौक में और 5वें दिन बाजार में हुआ। उसी दिन मध्याह्न में नगर के प्रसिद्ध शिवालय के सामने हाजरी का कार्यक्रम हुआ। भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रवचन होने से बहुत लोगों को लाभ मिला। वहाँ अमर गान की काफी गूंज रही। इस गीत को पहले मैं दूसरी लय में गाता था। वहाँ एक भाई ने इसे नई लय में गाकर सुनाया, वह अच्छी लगी। उसके बाद मैंने उसी लय में गाना शुरू कर दिया। अलवर में अनेक नए लोग संपर्क में आए। राजकीय महाविद्यालय, राजश्री महाविद्यालय और शिक्षण संस्थाओं के प्रिंसिपल और व्याख्याता लोगों के साथ अनेक बार बातचीत हुई। विरोधी लोगों ने वहां भी काफी भ्रांतियां फैलाई थी। हमने प्रवचनों में उनका निराकरण करने का प्रयास किया। रात्रिकालीन प्रवचन धर्मशाला में होता था। उस समय भी उपस्थिति अच्छी रहती थी। स्थानीय लोगों को तेरापन के संगठन, अनुशासन और मर्यादाओं के संबंध में जानने का मौका मिला। लगभग 50 व्यक्तियों ने अपनी धार्मिक आस्था को आलंबन देने के लिए सम्मिलित दीक्षा स्वीकार की। जयपुर की श्राविका गुलाबबाई चौरड़िया की पुत्री प्रेमलता अलवर में रहती थी। उसका ससुर पक्ष धार्मिक परंपरा की दृष्टि से स्थानकवासी था। शहर में स्थानकवासी और दिगंबर जैन अच्छी संख्या में थे। हमारे कार्यक्रम में काफी लोग आते थे। बहन प्रेमलता के पास हमारे आगमन का संवाद पहुंचा, उसे बहुत प्रसन्नता हुई। उसने गुरु दर्शन करने की इच्छा प्रकट की, किंतु उसके पति ने आज्ञा नहीं दी। इसको धार्मिक नहीं, सांप्रदायिक कट्टरता ही कहना चाहिए कि बहुत अनुनय विनय करने पर भी वह दर्शन करने नहीं आ सकी। उसने संकल्प कर लिया कि जब तक दर्शन नहीं होंगे वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी। 3 दिन यों ही निकल गए, घर वालों की स्वीकृति नहीं मिली। चौथे दिन मुनि चंपालाल जी को बहन प्रेमलता के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने उसके घर जाकर उसे दर्शन दिए। बहन का संकल्प पूरा हुआ। इस संदर्भ में 2 प्रकार की स्मृतियां उभर रही हैं। एक स्मृति के आधार पर ऊपर का प्रसंग लिखा गया है, उसके अनुसार मुनि चंपालाल जी ने बहन प्रेमलता को दर्शन दिए। दूसरी स्मृति कहती है कि पंचमी समिति से लौटते समय मैं स्वयं उस बहन के घर गया था। उस दिन उसके चौविहार चोले की तपस्या थी। मैंने उसकी दृढ़ता का उल्लेख करते हुए उसके हाथ से भिक्षा ग्रहण की। उसके पति रतनलाल के साथ मेरी बात भी हुई, पर वह समझने की स्थिति में नहीं था। उक्त दोनों स्मृतियों में कोई भी सही हो, बहन की भावना सफल हो गई। अलवर से भरतपुर के रास्ते में हमारा पहला विहार शहर से बाहर ठाकुर रीडमल जी सिंह जी की कोठी में हुआ। ठाकुर साहब ने हमारे प्रवास से अच्छा लाभ उठाया।
वहां से विहार करते हुए हम बड़ौदा गए। गांव के बाहर सड़क पर बनी हुई स्कूल में हमारा प्रवास था। ग्रामीण लोगों की अच्छी भीड़ थी, प्रवचन हो रहा था। उस समय अलवर नरेश दर्शन करने आए। उन्होंने प्रवचन सुना। प्रवचन के बाद उनके साथ बातचीत हुई। नरेश संस्कृत भाषा प्रेमी थे। साधु साधियों में चल रही संस्कृत शिक्षा की जानकारी पाकर उन्होंने प्रसन्नता प्रकट की। उनकी प्रार्थना पर उनके द्वारा प्रदत्त विषय महाराज के दर्शन पर भाषण और आशु कविता सुनकर उन्होंने अपनी यात्रा को सफल माना। भरतपुर राज्य की प्राचीन राजधानी दीप में हमारा एक पड़ाव था। वहां ठहरने का कार्यक्रम नहीं था, पर स्थानीय लोगों का आग्रह इतना प्रबल था कि हमें 2 दिन रुकना पड़ा। वहां के वयोवृद्ध पंडित जगन्नाथ प्रसाद जी के साथ सरस वार्तालाप हुआ। शिक्षकों और राज्य कर्मचारियों ने भी पूरा लाभ उठाया। वहां से आऊ और कुंभेर होते हुए हम चैत्र कृष्णा द्वितीया को भरतपुर पहुंचे। रास्ते में यादव भाइयों ने उपदेश सुनकर दुर्वैष्णों का त्याग किया। भरतपुर में हमारा प्रवास गोपाल बैंक में हुआ। शहर के सभी वर्गों के लोगों ने प्रवचन सुना। एक दिन का प्रवचन आर्य समाज भवन में हुआ और एक दिन साहित्य समिति में। रात्रि में भी सार्वजनिक प्रवचन हुए। भरतपुर में हरियाणा का एक परिवार रहता था। वह परिवार 13 पंथी था। विगत 60 वर्षों से भरतपुर में रह रहा था। वहां साधु साधियों का संपर्क नहीं होने से धर्म के संस्कारों की विस्मृति हो गई। उस परिवार में 5 भाई थे। 5ों भाई शिक्षित थे। एक भाई गोपीनाथ जी उपायुक्त थे और दूसरे भाई दीनदयाल जी सहायक जिलाधीश थे। सबसे छोटे भाई मदन मोहन जी की श्रद्धा भावना बहुत अधिक प्रबल थी। वे स्वयं को 13 पंथी मानते थे, किंतु ये नहीं जानते थे कि उनके गुरु कौन हैं और वे कहाँ हैं। उनकी माताजी को पूज्य कालूगणी की थोड़ी थोड़ी स्मृति अवश्य थी। हमारे आगमन का संवाद सुनकर वे लोग संपर्क में आए। उनके अनुरोध पर हम उनके घर गए। बड़ा परिवार था। उनको ये कल्पना ही नहीं थी कि उनके शहर या घर में गुरु का आगमन हो सकता है। अकल्पित मौका मिलने के हर्ष और इतने वर्षों तक गुरु दर्शन से वंचित रहने के विषाद से उनकी आंखें नम हो गई। मैंने उनको आश्वस्त कर धर्म आराधना की प्रेरणा दी। परिवार के सभी सदस्यों ने पुनः गुरु धारणा कर विशेष आनंद का अनुभव किया। भरतपुर से विहार कर आगे बढ़ते हुए हम फतेहपुर सीकरी पहुंचे। बादशाह अकबर किसी समय उसे अपनी राजधानी बनाना चाहते थे। इस उद्देश्य से वहां राजमहल का निर्माण भी हो गया, किंतु किन्हीं कारणों से राजधानी को स्थानांतरित नहीं किया जा सका। ऊंची पहाड़ी पर निर्मित राजमहल में हमारा पड़ाव था। वहां मुगल काल में बनी अनेक दर्शनीय वस्तुएं थी। देश विदेश के पर्यटक वहां आते रहते थे। उस दिन भी काफी भीड़ थी। कुछ यूरोपियन भी आए थे। दर्शनीय वस्तुओं में दुर्गा की पॉल अनूठी थी। लगभग 184 फुट ऊंची उस पॉल जितनी ऊंची दूसरी पॉल विश्व में कहीं नहीं है, ऐसा वहां के लोगों ने बताया। उस दिन मुनि हीरालाल बिदासर एक भारी काष्ठपट लेकर पहाड़ी पर चढ़ा। तत्कालीन विधि के अनुसार पट को एक व्यक्ति उठाता था, एक हाथ से उठाता था और कितनी ही दूरी से लाए बीच में 3 से अधिक विश्राम नहीं ले सकता। मुनि हीरालाल ने हिम्मत की और ऊंची चढ़ाई पर पट लेकर चढ़ गया। सबसे पहले उसका सामना मुनि चौथमल जी से हुआ। उन्होंने उपालम देते हुए कहा, इतना भारी पट इतनी ऊंचाई पर लाए हो, इसे भुलाने कौन जाएगा। मैंने जब पट को देखा तो मन ही मन मुनि हीरालाल की गुरु भक्ति और साहस को सराहा। पर ऐसे क्रम का पुनः प्रत्यावर्तन न हो इस दृष्टि से प्रत्यक्ष में उसको मीठा ही सही पर उपालम मिला। मुनि हीरालाल ने सहज भाव से उपालम को झेल लिया। उसे इस बात का संतोष था कि वहां दूसरा कोई साधन न होने के कारण उसके द्वारा लाए गए पट्ट का उपयोग हो गया। उस यात्रा से पहले हमारा कभी यूपी में जाना नहीं हुआ। राजस्थान की सीमा छोड़कर हमने अपने कदम यूपी की धरती पर रखे। उस समय तत्काल रचित 2 दोहे कहे, 13 पंथ आचार्य का यूपी प्रथम प्रवेश, 13 पंथ आचार्य का यूपी प्रथम प्रवेश, 2006 चैतविद शील सप्तमी ऐश, अलवर दिगरु भरतपुर वर्ष रात्यु वास, अलवर दिगरु भरतपुर वर्ष रात्यु वास, आज फतेहपुर सीकरी अकबर महल निवास, आज फतेहपुर सीकरी अकबर महल निवास। फतेहपुर सीकरी से अचनेरा गांव में एक दिन ठहरकर हम बीजपुर के आम्रवन में रहे। वहां
चारों ओर आम के बड़े बड़े पेड़ खड़े थे। ठहरने के लिए केवल दो मकान थे। रास्ते में 5-7 गांवों के लोग समूह में खड़े थे। उन सबको थोड़ी थोड़ी देर उपदेश दिया। व्यसन मुक्त बनने की प्रेरणा पाकर अनेक व्यक्तियों ने बीड़ी के बंडल फेंक दिए और जिल में फोड़ दी। चैत्र कृष्णादशमी के दिन हम आगरा पहुंचे। वहां बेलनगंज बाजार में चूरू निवासी धनराज जी प्रताप सिंह जी बैद की बिल्डिंग में रहे। वहां हमारा साप्ताहिक प्रवास हुआ। विरोधी लोगों द्वारा आगरा में बहुत भ्रांतियां फैलाई गई, पर जैसे जैसे लोग संपर्क में आते रहे उनकी भ्रांतियां दूर होती गई। प्रवचन के कार्यक्रम सार्वजनिक स्थानों पर रहते थे, इस कारण प्रवचन सुनने के लिए आने में किसी को संकोच नहीं रहता था। जैन श्वेतांबर धर्मशाला, आर्य समाज भवन, फ्रीगंज आदि स्थानों में लोगों की अच्छी उपस्थिति रही। स्थानीय प्रसिद्ध सेठ अचल सिंह जी एवं IGP भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। चैत्र शुक्ला द्वितीया को प्राप्त कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। उस दिन मध्याह्न में टाउन हॉल में कार्यक्रम था। उससे पहले मैंने सहज भाव से घोषणा कर दी कि किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। इस बात को कुछ विरोधी लोगों ने पकड़ा। वे लोग सज धज कर प्रवचन में व्यवधान करने की नियत से आए। अपनी योजना के अनुसार वे अलग अलग टुकड़ियों में विभक्त होकर 5-7 स्थानों पर बैठ गए। मैंने धर्म के बारे में बोलना शुरू किया। 15 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि सभा में एक व्यक्ति ने खड़े होकर प्रश्न पूछा। मैं उसका उत्तर देने लगा। इसी बीच दो व्यक्ति एक ओर से, चार व्यक्ति दूसरी ओर से तथा 2-3 व्यक्ति तीसरी ओर से खड़े हो गए। वे लोग हो हल्ला करने लगे। मैंने सोचा अब क्या होगा, ये लोग मेरी बात तो सुनते नहीं है, उल्टा हो हल्ला कर माहौल को बिगाड़ रहे हैं। मैंने प्रवचन बंद कर गीत गाना शुरू कर दिया। गीत गाने में मुझे इतना जोश आया कि सैकड़ों व्यक्ति साथ गाने लगे। इससे हल्ला करने वालों की आवाज दब गई। गीत के भाव भी बहुत सरल थे, इस कारण गीत इतना जम गया कि लोग शांत हो गए। तब मैंने पुनः प्रवचन शुरू करते हुए कहा, मैंने आपको प्रश्न करने के लिए आमंत्रित किया है, किंतु अभी नहीं। जिज्ञासु लोग के हर प्रश्न का उत्तर मुझे देना है, पर प्रवचन के बीच में प्रश्नोत्तर होने से प्रवचन का प्रवाह टूटता है। इसलिए आप लोग प्रवचन संपन्न होने के बाद प्रवाह स्थल पर प्रश्न करें। इतना कहकर मैंने 10 मिनट धारा प्रवाह भाषण दिया। धर्म के बारे में कहने की बातें संक्षेप में कह दी और प्रवचन संपन्न कर दिया। लोग देखते ही रह गए। मैं समझ गया था कि कुछ लोग लड़ाई के मूड में हैं। वे बखेड़ाबाजी करेंगे। उन्हें वैसा करने का मौका दिए बिना ही मैंने कार्यक्रम पूरा कर दिया। बखेड़ाबाजी करने के लिए उद्धत व्यक्तियों को अपनी भूल का भान हो गया। उन्होंने दूसरे दिन प्रवचन के समय जनता के बीच खड़े होकर क्षमा याचना की। आगरा में हमने विश्व प्रसिद्ध कलापूर्ण ताजमहल देखा। देश के दर्शनीय स्थानों में उसकी गणना प्रथम स्थान पर की जाती है। उसकी दीवारों से नगारे की तरह शब्द होता है। आगरा से हम मथुरा गए। वहाँ जैन गुरुकुल, जैन मंदिर, जैन छात्रावास, जैन प्रेस, जैन धर्मशाला आदि जैनों के अनेक संस्थान थे। जैन भाइयों के अनुरोध पर हम गुरुकुल में गए। वहाँ प्रवचन भी हुआ। पुरातत्व संग्रहशाला का निरीक्षण किया। उसमें प्राचीन मूर्तियां, प्राचीन सिक्के आदि का अच्छा संग्रह था। मथुरा के टाउन हॉल में एक सार्वजनिक कार्यक्रम था। प्रवचन के बाद प्रश्नोत्तर का सिलसिला चला। एक भाई ने प्रश्न पूछा, जैन हिंदू हैं या नहीं। मैंने कहा, आप हिंदू किसे कहते हैं। वैदिक या सनातनी लोगों को आप हिंदू मानते हैं, तो जैनों की अपनी संस्कृति है। वेदों के स्थान पर उनकी श्रद्धा आगमों में है। जैसे वेदों को मानने वाला सनातनी कहलाता है, वैसे ही आगमों को मानने वाले जैन कहलाते हैं। यदि आप हिंदुस्तान में रहने वालों या भारतीय लोगों को हिंदू मानते हैं, तो जैनों को हिंदू कहलाने में कोई बाधा नहीं है। भाई ने दूसरा प्रश्न किया, जैन लोग जनगणना के कोष्टक में जैन क्यों लिखते हैं। मैंने कहा, इसमें जैनों का क्या दोष है। धर्म का कोष्टक भरते समय उनसे पूछा जाता है कि आप जैन हैं या हिंदू। इस प्रश्न के उत्तर में वे स्वयं को जैन नहीं बताएंगे तो क्या बताएंगे। जैन और हिंदू के कोष्टक अलग अलग क्यों हैं? इसका जवाब हमारे पास नहीं है, आप स्वयं सोचें। उस भाई ने कुछ और प्रश्न भी किए। जिज्ञासा और उत्सुकतापूर्ण वातावरण में शांति के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। मथुरा से विहार कर हम चैत्र शुक्ला नवमी के दिन वृंदावन गए। वहां एक धर्मशाला में ठहरे। वृंदावन में मंदिरों और धर्मशालों की प्रचुरता थी। चारों ओर साधु संन्यासी और भिखारी दिखाई दे रहे थे।
वहाँ विशेष उपकार की संभावना न देखकर मध्याह्न में हमने विहार कर दिया। टीकड़ा, सेमरी आदि गांवों का स्पर्श करते हुए हम कोसी पहुंचे। वहाँ काफी जैन परिवार थे, उनके निवेदन पर कोसी में हम दो दिन रहे। छात्रों, अध्यापकों और व्यवस्थापकों ने अच्छा लाभ उठाया। दिल्ली से पहली मंजिल भोगल थी। वहाँ दिन भर लोगों की आवाजाही होती रही। जयपुर से जिस लक्ष्य को लेकर हम चले थे सकुशल उसके निकट पहुंच गए। ओम अरहम।